हेलो फ्रेंड्स, अशोक लेलैंड का चार्ट 3 महीने का आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बढ़िया वॉल्यूम्स है और क्लोज दिया है 6% ऊपर। ये देखिए, 2 दिन में प्राइस काफी बढ़ी है। देखिए ये जो माउस, जहां पे भी माउस कर्सर है वहां से आज तक क्या फर्क पड़ा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज टर्म्स में। तो ये दिन से, वेंसडे से 28 जुलाई से 9.30% ऊपर, एक दिन बढ़ा 3%, दूसरे दिन बढ़ता है 6.07%, पर यहाँ पे ऊपर जाके ये काफी नीचे तक आ गया। तो ये एक बेरिशनेस हुई है कल, बाकी पूरा दिन बुलिश ही था, पिछला आधा दिन बेरिश है। अभी इसमें देख लेते हैं कि ये स्टॉक ने पिछले 6-7 साल में क्या किया है। देखिए, ये प्राइस है 1114 की, 17.20 रुपए और आज की प्राइस ये है, तो प्राइस हो गई 7.72 टाइम्स। निफ्टी वही पीरियड में हुआ है 2.50 टाइम्स, यानी कि निफ्टी ने 150% 150% का मुनाफा दिया और ये स्टॉक ने दिया है 6.672% का मुनाफा। तो स्टॉक तो बढ़िया है, पास्ट परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, डेफिनेटली ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। जब भी कोई स्टॉक डिसाइड होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये लेना है तो एक बार इसका ट्रेडिंग चार्ट भी देख लेना चाहिए ताकि हम सही जगह से एंट्री ले लें। और लॉन्ग टर्म स्टॉक लेने के लिए कभी भी एक दिन में स्टॉक नहीं लेना चाहिए, लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद जैसी आपकी सिचुएशन, स्टॉक लेते रहना चाहिए ताकि हम ऐसे ऊपर में नहीं घुस जाए। देखिए प्राइसिस ये ऊपर आ रही है कंटिन्यूस लगातार, यहाँ पे एक टॉप बनाया और वहीं पर दूसरा टॉप अभी बना है उसके नजदीक। तो ऐसा जब भी होता है और ये प्राइसेस नीचे आती है तो इसे डबल टॉप कहते हैं। ये दोनों टॉप्स में वैसे काफी डिफरेंस है, काफी गैप है और वो भी 4-5 महीने का गैप है। अभी इसमें रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। देखिए ये जो लेवल है, अभी ये पिछला स्विंग टॉप जब भी हुआ था वहां पे एक लाइन ड्रॉ करे तो ये 132 की लाइन है। और एक बार अभी वापस 12 महीने का चार्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जाती है, नीचे आ गई, यहाँ पर ऑलमोस्ट वही जगह पे 132 के ऊपर 133-134 में रेजिस्टेंस मिला है और वापस यहाँ पे भी वही जगह पे रेजिस्टेंस मिला है। देखिए तो ये जो 132-134 का जो जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट जोन है, इसे हमें वॉच करना है। जिसे भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है वो ये लेवल को जरूर ध्यान रखे। अभी आते हैं वापस 3 महीने के चार्ट पे। तो ये प्राइस पॉइंट है, अभी एग्जैक्टली वहीं पर है प्राइस 132.80। इसके ऊपर रुकता है एक दिन, अच्छा क्लोज देता है। देखिए आज तो क्लोज दिया है 132.80, यानी कि 132 के ऊपर ही, और वैसा ही क्लोज अगर कल भी देता है तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग हो सकता है। थैंक यू।